थर्ड सेकेंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पिछली क्लासों में अपन पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन समावयवता आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को अपने डिटेल में लिया था, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था त्रिविम समावयवता क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। त्रिविम समावयवता मेन दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता की क्या कंडीशन थी, किस तरह से, ये उदाहरण लेकर एग्जाम्पल लेकर अपन ने इसे डिटेल में पढ़ा था। आज अपन अपने क्लास में डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होती है ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके कितने प्रकार होते हैं और संकुल यौगिक किस प्रकार से ये प्रदर्शित करता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वे त्रिविम समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसमें यदि कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा जाए और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण से समतल ध्रुवित प्रकाश का तल या तो क्लॉकवाइज घूम जाए या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, तो ऐसे यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होते हैं और ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें दो प्रकार के कंपाउंड होंगे, एक वे जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा दे, उन्हें कहा जाता है दक्षिणावर्त घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे वे समावयवी जो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर घुमा दे, वे लीवो रोटेटरी कहलाते हैं, उत्तरावृत्त घूर्णक, या इन्हें एल से या माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रकाशिक समावयवता में समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने वाले दो आइसोमर होंगे डी एल प्लस प्रतिबिंब रू 92। जो समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। देखिए एक एग्जांपल दिया, एक किरिल कार्बन है जिस पर चारों संयोजकताएं अलग अलग लगी हुई है, एक CH3, फिर दूसरा Br और H लगा हुआ है। जब अपन इसे दर्पण में मिरर में देखते हैं तो जो इमेज होती है वो अपने को दिखाई देती है। इस इमेज को यदि अपन वापस इसी कंपाउंड पर ओवरलेप करना चाहें या उसी के ऊपर रखें, तो देखिए जब अपन इस कंपाउंड को इसके ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो एक एच तो क्लॉकवाइज की तरफ है और एक एच दाई तरफ है और दूसरे में एच बाई ओर है, तो ये कंपाउंड एक दूसरे पर ओवरलेप नहीं होते। तो ऐसे ये दर्पण प्रतिबिंब डी और एल जो इनाइंशियोमर होते हैं, प्रकाशिक समावयवी भी होते हैं, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, इन्हें इनाइंशियोमर कहा जाता है। तो प्लस माइनस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रूप और लिवो रोटेटरी रूप एक दूसरे के इनाइंशियोमर होते हैं। प्रकाशिक समावयवता की आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो शो करे उसकी आवश्यक कंडीशन ये है, वे यौगिक जिनमें कोई भी सममित तल तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए, सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित नहीं होता, संकुल यौगिकों में कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड उपस्थित होना चाहिए, यौगिक में किरेल या असममित केंद्रीय असममितता होनी चाहिए, विपक्ष ज्यामिति समावयवी प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते, समावयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की मेन शर्त है कि ये दोनों समावयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब इसमें सम्मित तत्व उपस्थित ना हो। और संकुल यौगिक में जब अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो वे जिसमें एक बाइडेंटेट लिगेंड उपस्थित हो वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। फर्स्ट यौगिक कीरेलिटी शो करे, असम्मित हो, कोई सम्मित तत्व ना हो, अध्यारोपित ना हो, कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड हो, और विपक्ष ज्यामिति समावयवी प्रकार से सक्रिय नहीं होते। सम्मित तत्व, बाइडेंटल लिगेंड, कीरेलिटी, असम्मितता, विपक्ष शो नहीं करेंगे और समावयवी एक दूसरे पर ओवरलैप न हो। अपन कॉम्प्लेक्स में अलग अलग एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं। पहले लेते हैं समन्वय संख्या 6 में प्रकाशिक समावयवता। जब समन्वय संख्या 6 होगी, लिगेंड 6 यानी समन्वय संख्या जब 6 होगी तो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होगा। अपन ने अभी पढ़ा कि इसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड लगा होना चाहिए। तो अपन ने एग्जाम्पल लिया एम ए ए टू बी टू, जहां ए ए सम्मित द्विदंतुक लिगेंड है। एग्जाम्पल कुबाल ई एन अमोनिया सी एल टू, तो ई एन एथिलीन डाई एमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है। अमोनिया और सीएल दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसका एक फॉर्म अपन बनाते हैं, सिस फॉर्म होना चाहिए। पहली शर्त क्या थी कि यौगिक सम्मित नहीं होना चाहिए, किरियलिटी शो करे और कोई सम्मित तत्व उपस्थित न हो, कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड हो, और ट्रांस वाला ये शो नहीं करता यानी कि यौगिक सिस फॉर्म में हो। तो जब अपन इसकी सिस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोनों अमोनिया पास पास में, दोनों सीएल पास पास में और एक एथिलीन डाइएमीन लगा हुआ। तो इसका मान लेते हैं कि ये सिस फॉर्म एक इस तरह से बनी हुई है। जब अपन इसकी मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज में एथिलीन डाइएमीन लेफ्ट एंड की जगह पर राइट एंड में दिखाई देगा। अमोनिया और सीएल की पोजीशन मिरर इमेज में चेंज हो गई। तो इसमें से एक रूप, दोनों समावयवी में से एक रूप यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा रूप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो दो फॉर्म हो गई, दो रूप हो गए, डी फॉर्म और एल फॉर्म, और ये दोनों प्रकाशिक समावयवी है। तो सिस के अंदर मिनिमम एक बाइडेंटेट लिगेंड। सी यू ई एन का होल टू सी एल टू, अपन सिस फॉर्म लेते हैं, दो सी एल पास पास में और ई एन लगे हुए। जब अपन इसकी इमेज मिरर इमेज देखेंगे तो ई एन की पोजीशन और सी एल की पोजीशन मिरर इमेज में जो बाई तरफ है वो बाई तरफ चली जाएगी। तो सिस का एक रूप डी फॉर्म और जो मिरर इमेज है वो एल फॉर्म। तो इस तरह से यौगिक में दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ये एग्जांपल देखिए, जब सी एल दो आमने सामने लगे हुए हो यानी कि ट्रांस हो और दोनों तरफ ई एन लगा हुआ हो, और जब अपन इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो सी एल की पोजीशन सेम रहेगी और ई एन की भी पोजीशन सेम रहेगी, और इस मिरर इमेज को अपन इस पे रखें तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे यानी एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। इस कारण से जो ट्रांस समावयवी होता है वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो सिस के दो रूप और ट्रांस अपने आप में एक रूप, तो टोटल हो जाएंगे इसके स्टीरियो आइसोमर 3।
सिस के दो रूप और एक ट्रांस, टोटल होंगे तीन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, MAB का होल 3, CR ग्लाइसिन का होल 3। ग्लाइसिन में डोनर एटम एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। जब डोनर एटम इस तरह से होता है तो इसमें तीनों जगह पर यानी सिस फॉर्म में ये लगा हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पास में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास में, तो इसका सिस रूप। इसकी मिरर इमेज देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्लाइसिन लगा हुआ है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और इसके दो फॉर्म होगी, डी फॉर्म और एल फॉर्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मिनिमम एक बाइडेंटेट लिगेंड, दो बाइडेंटेट लिगेंड, तीन बाइडेंटेट लिगेंड, सभी जिनमें की बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं।